दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा चैनल राज मुद्रा और मेरा नाम ईशान। इस वीडियो में आपको डोबरमैन पिंचर के बारे में फैक्ट्स बताऊंगा। तो मेरा ये वीडियो चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अपन शुरू करते हैं दोस्तों। डोबरमैन पिंचर का ओरिजिन जर्मनी से है। कार्ल लुईस डोबरमैन एक टैक्स कलेक्टर थे और उन्हें सेफ्टी फील नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने डोबरमैन पिंचर को 1890 में ब्रीड किया था। और अभी तक कहे तो डोबरमैन को 150 साल भी नहीं हुए। डोबरमैन 8 कुत्तों का मिश्रण है, उनमें से रॉटवेलर, जर्मन शेफर्ड एक्सेट्रा। डोबरमैन अमेरिकन कैनल क्लब में 15 रैंकिंग पर आता है। डोबरमैन बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और ये इजी ट्रेन हो सकते हैं और ये नेचुरल गार्ड डॉग होते हैं दोस्तों। एक कुर्त नाम के डोबरमैन ने लाखों सैनिकों की जान बचाई, पर एक हमले से कुर्त शहीद हो गया। अपन डोबरमैन की प्रॉब्लम सुनते हैं। तो आई प्रॉब्लम स्किन प्रॉब्लम, हाइड स्प्लिया ब्लोट एक्सेट्रा होती है दोस्तों। डोबरमैन का वेट मेल्स में 34 से 45 केजी होता है, फीमेल्स में 27 से 40 केजी होता है। डोबरमैन में हाइट बोले तो मेल्स में 26 से 28 इंच होती है और फीमेल से 24 से 26 इंच होती है। डोबरमैन कलर फाउन एंड टैन, लिवर एंड टैन एंड ब्लू एंड टैन, रेड एंड टैन, ब्लैक एंड टैन। डोबरमैन के कान नीचे ही होते हैं, पर उन्हें ईयर क्रोपिंग से ऊपर लाया जाता है। डोबरमैन की पूंछ भी लंबी होती है, पर उसे कापा जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है कि कोई भी स्ट्रेंजर इन्हें पकड़ कर फेंक ना दे, इसलिए। डोबरमैन बहुत ही लॉयल डॉग और प्रोटेक्टिव डॉग होते हैं और ए मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है। डोबरमैन को क्रॉस ब्रीडिंग भी किया गया है और पूरे भारत में सिर्फ 5% ही डोबरमैन ओरिजिनल मिलते हैं और 95% सिर्फ क्रॉस ब्रीडिंग है दोस्तों। तो ध्यान से अच्छे ब्रीडर से डोबरमैन ही ले दोस्तों। तो ये मेरे कुछ थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डोबरमैन के बारे में। तो ये मेरा वीडियो पसंद आया, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें दोस्तों।